और शादियां स्टार्ट हो रही हैं, हर बंदा शादी कर रहा है। मेरे वालिदैन से दरख्वास्त है कि मेरी भी शादी करवाएं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। जब पेपर आते हैं तो शादी आती है, जब ज़्यादा पेपर आते हैं तो ज़्यादा शादियाँ आती है। तो हर बंदा शादी कर रहा है तो शादियाँ हर बंदे की हो जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो आज का सीन कुछ है कि अभी तक कोई सीन नहीं है। मुझे जाना था किधर, लेकिन वहाँ जाना मेरा कैंसिल हो गया, क्योंकि एक जगह छोड़ के मुझे दूसरी जगह जाना पड़ा, कुछ काम था। और बस अभी मैं एक थोड़ी देर पहले ही आया हूँ और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 1:30 हो रहे हैं। और मैंने अभी कपड़े वगैरह भी अपने चेंज करने, और दूसरी बात ये कि आज मैंने पढ़ाई करने ही अबे बैठना है। बस जल्दी बोल, कल डेली सुबह पनवेल मैं निकलना पढ़ाई है। कर रहा हूँ कि मेहनत में अजमत है, तो मेहनत लगी रहेगी इंशाल्लाह। वो मुकद्दर हमारे कदम चूमेगी, बस कुछ इस तरह है लेकिन चूमेगी। तो बस ज़्यादा टाइम जाएगी, बगैर मैं कपड़े वगैरह अपने चेंज करता हूँ, फिर अपना सकून से पढ़ने के लिए बैठता हूँ और देखता हूँ वहाँ से क्या सीन बराबर करना है। क्या देख रहे हैं, कपड़े चेंज नहीं हुए? कपड़े तो ऐसे चेंज नहीं होते ना, कपड़े तो ऐसे चेंज होते हैं। हाँ तो सीख ले मुझे तरीका, कपड़े चेंज करने का असल तरीका तो है ये ना। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कैमरा उठा के आ जाऊँगा तो कपड़े चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो बस किताबों वगैरह को हाथ में उठाता हूँ और सारी किताबें पढ़ता हूँ, पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। फारिग हो तो इंशाल्लाह फिर आपसे मिलता हूँ। Four hours later. अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ाई वगैरह करके बिल्कुल फारिग हो गया हूँ और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 5:15 नजर आ रहे हैं। और बस मैं पढ़ाई पढ़ते पढ़ते अभी मैं सो भी गया था, मतलब मैं तकरीबन 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ घर वालों के हिसाब से ना। और मैं बीच में सोया भी था, फिर उठ भी गया हूँ। मुझे समझ भी नहीं पड़ी कब मैं कैसे मैं सो गया हूँ, लेकिन बस सो गया हूँ। फिर उठूँ, पढ़ता रहूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फारिग हो गया हूँ। तभी निकलता हूँ बाहर, दुनिया का माहौल देखता हूँ। शादी स्टार्ट है सामने घर में और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए, देखता हूँ कि वो उनको कोई माहौल वगैरह बनाओ, कोई जगह मगा पकड़ो, कोई गैदरिंग वगैरह सारे करो, ऐसे तो नहीं होता ना। उन्होंने कहा था कि करेंगे आखिरी दिनों में, लेकिन अब देखते हैं क्या सीन है। बस ये किताबें एक साइड पर पहनता हूँ। और दूसरी बात यह है कि देखिए तो बहुत सारी किताबें हैं। दूसरी बात यह है कि बस निकलता हूँ बाहर, मैं भी निकल रहा हूँ। डॉक्टर के पास जाना है, दर्जी के पास जाना है, वहाँ पर कुछ कपड़ों में कुछ मसला आया हुआ तो वो ज़रा ठीक करवाने, हाथ पा हाथ ठीक करवा के वापस आता हूँ और फिर आके आपसे मिलता हूँ सुकून से। चलो भाई। दर्जी के पास समय आ गया अपने घर वापस, और जान मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है, पैदल पैदल गया था, बाइक अभी आई है। तो मैं चाहता हूँ अभी घर हो सकून से बैठता हूँ, टांगों में मेरे को बिल्कुल जान ही नहीं है, दूर गया थोड़ा। A few inches later. अरे अभी तक तो मैं घर में आके सुकून से बैठा हुआ था, तो बस थक गया था बड़ा ख़राब। और अभी एक कोट है, उसकी अल्ट्रेशन वगैरह करवानी है, ज़रा ठीक करवाने, फिट करवाया था तो अब वो बंदा मोटा हो गया, मतलब मैं आपको बताया किसकी बात कर रहा हूँ। और तो बस अब उसको दोबारा से फिट करवाना है, थोड़ा ठीक करवाना है, तो बस अब निकलते एक कोट लेके। स्टेशन के लिए कोट दे दिया, बजाता हूँ अभी घर। और उसने कहा 9 तक आ जाओ तकरीबन, अभी टाइम हो रहा है 7:08, 9 तक वापिस जाते। अल्ट्रेशन के लिए कोट दे, क्या हूँ जाता हूँ जरा गेम खेलने के लिए, हाथ गर्म करता हूँ कैरम खेलते हुए। कैरम वगैरह बहुत ज़्यादा खेल लिया, लेकिन अब वो कोर्ट भी वापस लाना है। उसने मुझे 9 बजे का टाइम दिया, अभी 9:30 होने वाले, ताकि वो जल्दी जल्दी वो कोर्ट लेके आता हूँ और शादी की तैयारी करता हूँ। इंशाल्लाह कल एक प्रोग्राम है, अल्लाह करे खैर खैर से हो जाए, बाकी कुछ नहीं। लेके भी मैं घर वापस आ गया, मैंने घर में दे दिए। और आज का व्लॉग मेरा बस कोई इतना खास नहीं चल रहा, बस चल रहा है। और शादियां स्टार्ट हो रही हैं, हर बंदा शादी कर रहा है। मेरे वालिदैन से दरख्वास्त है कि मेरी भी शादी करवाएं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर कि बस फारिग हो जाए आप लोग भी,
तो बता दो, मैं भी अपना घर और तो कुछ ना खास करने का नहीं है, तो बस अपना सुकून से अपना घर में मैं बैठा हूँ। अभी तक कुछ मेहमान थे वो चले गए हैं, लेकिन अभी टाइम पड़ लेते, तो वो भी 12 तक गए हो, तो अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 12:30। और बस आज का व्लॉग मेरा इतना ही था, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब पेपर आते हैं तो शादी आती है, जब ज़्यादा पेपर आते हैं तो ज़्यादा शादियाँ आती है, तो हर बंदा शादी कर रहा है तो शादियाँ हर बंदे की हो जानी चाहिए। तो इस ब्लॉग को शेयर करते हैं, उम्मीद करता हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, मिलते हैं कल। अल्लाह।